सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, करगिल में हमारा संगठनात्मक ढांचा पहले ही बहुत मजबूत है। हमारी जिले की टीम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और हम तकरीबन 6 महीने पहले से ही हमने तैयारी शुरू की थी कि करगिल हिल काउंसिल का चुनाव जो है, एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी और तकरीबन ये हमारा तय है कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी करगिल के अंदर एक रेकनिंग फोर्स के तौर पे उभर के आएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारा पूरा एक करगिल के और जनसकार में कार्यकर्ताओं का एक अच्छा नेटवर्क है और व्यक्तिगत तौर पे 1-to-1 संपर्क है, आने वाले दिनों में करगिल हिल काउंसिल जो है भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना गठित नहीं हो पाएगी। अभी रिसेंटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो जम्मू कश्मीर का टूर रहा, उसमें कुछ डायरेक्शंस कुछ विधानसभा क्षेत्र को लेकर दी गई थी, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स को कुछ असेंबली सेगमेंट्स को फोकस करने का एक टारगेट दिया गया था, कीपिंग इनटू कंसीडरेशन आने वाला लोकसभा चुनाव भी। और उसमें क्योंकि हमने तीनों लोकसभा सीट जीता है, उधमपुर वाला भी, जम्मू वाला भी और लेह वाला भी, और हमारा ये टारगेट है कि ये तीनों सीट हमने रिपीट करना है। उसके लिए मुझे मेरी लीडरशिप ने करगिल और जनसकार का इंचार्ज बनाया है, एक MLC के नाते भी और पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते भी। मेरा पहले भी जहां आना जाना रहा है, बहुत अच्छी हमारी टीम है और इस बार मैंने 3 दिन का ये टूर बनाया था एक्सक्लूसिवली अपने पोलिंग बूथ लेवल की रचना को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर हमारे तकरीबन 256 पोलिंग स्टेशन हैं और 26 वार्ड हैं। हमारे पूरे करगिल और जनसकार विधानसभा में जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमने पोलिंग बूथों की रचना तय कर दी है, हर पोलिंग बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार मौजूद रहेगा। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है कि अपकमिंग 4th इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कितना सीट हासिल कर पाएंगे काउंसिल इलेक्शन में? देखिए, मैंने एक बार आपसे कही कि एक तो हम चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर इकाई भी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी, कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे उम्मीदवारों के साथ मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर यहाँ पर करगिल में मौजूद रहेगा। करगिल के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप ने बहुत बड़े तोहफे दिए हैं। पिछले ही दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जोजिला टनल की घोषणा की है, मुझे लगता है कि करगिल के लोगों को दिलों से जोड़ने का जो रास्ता प्रधानमंत्री जी ने जो ढूंढा है, करगिल के लोग भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं करेंगे। और इसके अलावा अभी मेजर प्रोजेक्ट्स जो हाथ में लिए गए हैं, जिसके लिए मैं खास करके आपको बताना चाहूँगा कि करगिल जनसकार रोड का, जिसका एक DPR सबमिट हुआ था नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री को 9,000 करोड़ का, उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट जो है 3,500 करोड़ रुपये वो सेंक्शन हो गई है और बहुत जल्दी उस पर काम भी चालू होगा। जनसकार करगिल 12 महीने पूरे देश के साथ जुड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच भी है और मानसिकता भी है। और अपने काम के बलबूते पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है, आने वाले दिनों में चुनावों के नतीजों के बाद आप भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के बिना काउंसिल यहाँ गठित नहीं होगी। फिगर्स का मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि हम कितनी सीटें लेंगे, लेकिन अगर हम 26 सीटें लेते हैं तो हम 26 की 26 सीटों पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो सर, अभी रिसेंटली स्टेट में जो PDP और BJP का गवर्नमेंट था, अलायंस खत्म हो गया जी, क्या उसका असर कारगिल के काउंसिल इलेक्शन पे पड़ेंगे? देखिए, करगिल हिल काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है, वैसे ही ले ऑटोनोमस बॉडी है। मैंने जहां तक रीड किया है, ये दोनों ऑटोनोमस बॉडी अपने आप को गवर्नर रूल में बहुत एम्पावर समझते हैं। इनको लगता है कि अब हमारा रूल आ गया है, और जो मैंने साइकोलॉजिकली भी इनके चेहरों से रीड किया है कि इनको लगता है कि पहले सरकार थी, हमें सरकार से कुछ मांगना पड़ता था, आज गवर्नर रूल है, गवर्नर रूल में जो ऑटोनोमस बॉडी है वो मोर पावरफुल होती है, तो हम ज़्यादा सक्षम है। अलबत्ता मुझे लगता है ये जो सरकार हमारी 3 साल चली है, कोलिशन धर्म निभाने का फर्ज भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया, कहीं पर चूक रह गई होगी। केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय था सरकार से बाहर आने का, और आज मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन PDP का जो हशर हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह खड़ी है और उसी बलबूते पे हम करगिल के अंदर जाएंगे। जैसे लेह में हमने क्लीन स्वीप किया था, हम करगिल भी क्लीन स्वीप करेंगे और आने वाले दिनों में आपको करगिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का CEC देंगे। लास्ट पे सर, आप स्पेशली कारगिल और जनसकार में आप विजिट करने के लिए आए हैं, कारगिल के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पार्टी की तरफ से? देखिए, ये मेरी एक पार्टी के संगठनात्मक दौरा है। मैं कार्यकर्ताओं को मैंने एक ही बात बोली है कि कार्यकर्ता अपने दिलो दिमाग में एक ही बात रखे
कि संगठन हमारा जो है वो धर्म है, हमने अपने संगठन की शैली पे कार्य करना है। और हमारा संगठन हमें सिखाता है कि हम समाज से जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे उतना समाज हमारे साथ जुड़ेगा। हमारा पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हर परिवार तक जाएगा। हमारी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में क्या किया वो योजनाएं, और पिछली सरकार की नाकामियां, लोगों ने खास करके कारगिल और जनसकार के लोगों ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्शल पीडीपी को भी इस्तेमाल करके देख लिया है। इन लोगों ने यहाँ के लोगों को गुमराह किया, बेवकूफ बनाया, और यहाँ तक कि जहाँ तक हो सका इन लोगों को बैकस्टेप किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी प्रदेश लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर न्यू प्रेसिडेंट अरविंदर रैना और हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक कोल जी के आदेश अनुसार हम यहाँ काम करेंगे। 1-1.5 महीना हम पूरा यहाँ बैठने वाले हैं। हर पोलिंग बूथ की रचना होगी, हर वार्ड को जीतने के लिए लड़ा जाएगा, और आने वाले दिनों में कारगिल को हम एक अच्छी लीडरशिप देंगे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.